இந்த வேலைய நான் பாத்துக்கறேன். குள்ள வந்து பியர் உம்ரண்டிமா கேப்பாங்க. என்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கிய பயமல கைய வைக்கலாமா? गाइस, तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर थाला अजीत कुमार की फिल्म थुनीवु का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन पैक्ड होने वाली है, क्योंकि लगभग 2 मिनट के इस ट्रेलर में हमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेलर देख के साफ पता लग रहा है कि थाला अजीत कुमार बैंक रॉबरी करने के लिए एक बैंक में घुसे हैं और इस बैंक में पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। बैंक में जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको हॉस्टेज बना लिया गया है। और गाइस, जिस तरीके से इस फिल्म का एक्शन पैक्ड ट्रेलर लॉन्च किया गया है, यही कहूंगा कि यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर भर भर के देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर की प्रोडक्शन वैल्यू और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी लग रही है और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। इस ट्रेलर की जान है थाला अजीत कुमार। वैसे तो अजीत कुमार बहुत ही हैंडसम है, लेकिन इस मूवी के लिए उनका सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और वाइट शर्ट के साथ जो लुक तैयार किया गया है वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल लग रहा है। और इस ट्रेलर को देखकर कहीं ना कहीं उनकी पुरानी फिल्म वेदलम की याद आती है। वेदलम में जिस तरह अजीत कुमार का स्वैग, जिस तरह की स्टाइल और जिस तरह का एक्शन था, उसी तरह थुनीवु में भी हमें वो सब देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका हिंदी वर्जन भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट नया जरूर नहीं है, बट है बहुत ही तगड़ा। ऐसा नहीं है कि बैंक रॉबरी वाली फिल्में हमने पहले नहीं देखी, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर नेटफ्लिक्स पर आई मनी हाइस्ट वेब सीरीज की याद आती है। जैसा फिल्म का सेटअप और एक्शंस के साथ स्क्रीन प्ले देखने को मिल रहा है, उससे यही कह सकते हैं कि यह फिल्म कहीं ना कहीं मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड जरूर है। अभी कुछ दिनों पहले इस मूवी का चिल्ला चिल्ला सॉन्ग आउट हुआ था, जिसे कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वैसे इस मूवी को इसी महीने पोंगल के समय रिलीज किया जाना है। साथ ही मेगा स्टार चिरंजीवी और रवि तेजा की फिल्म वाल्टेयर विराया भी उसी समय रिलीज होगी, तो इन दोनों ही फिल्मों का तगड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है। देखना होगा कौन सी फिल्म बाजी मारती है। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।